हेलो गाइस। और सब बढ़िया? सब बढ़िया है ना? चलो बहुत बढ़िया भैया। आज हम केमिस्ट्री लेके आए हैं, 12वीं केमिस्ट्री लेके आए हैं। केमिस्ट्री लेके आए हैं आज हम विक्टर मेयर विधि पढ़ेंगे। विक्टर मेयर विधि आज हम पढ़ेंगे, विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर विधि पढ़ेंगे बेटा जी। आज हम विक्टर मेयर विधि पढ़ेंगे। विक्टर मेयर विधि होता क्या है देख लीजिए। देखो, एल्कोहल, केमिस्ट्री में आप लोगों ने सुना होगा बेटा जी, एल्कोहल मतलब एल्कोहल। तीन प्रकार के एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। इन तीनों प्रकार के एल्कोहलों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको बताने के लिए विक्टर मेयर विधि का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल ये क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल किसको कहते हैं। देखो बेटा जी, ये कार्बन कार्बन और यहाँ पे अगर OH लग गया है ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ये CH2, ये CH3 है ना। तो ये देखो, OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहोगे आप लोग, इसको कहोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको कहोगे आप लोग प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहोगे इसको, ठीक है ना भैया। तो एक कितने कार्बन है तुम्हारे पास, एक दो दो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ये एथ सिंगल बॉन्ड है, तो एन और OH को क्या कहते हैं, ऑल पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, एथेनॉल होगा। वैसे ही CH3, CH2, CH2 और OH, ऐसा देख लीजिए आप लोग, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वहां कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तीन कार्बन को कहते हैं प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को प्रोपेन के प्रोपेन कहते हैं, और OH को कहते हैं ऑल कहते हैं, तो क्या कहलाएगा, प्रोपेनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा जी, प्रोपेनॉल कहलाएगा, प्रोपेनॉल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्रोपेनॉल कहलाएगा। वैसे ही देख लीजिए बेटा जी, क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, देख लीजिए बेटा जी। यहाँ पे देखो, ये OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वहां दो कार्बन से जुड़ा अगर है मान के चलो, तो ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा ये, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वहां कार्बन दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। नाम क्या होगा बेटा जी, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। 2 में क्या है, OH है, तो इसको हम कहेंगे, कितने कार्बन है तुम्हारे पास, 3 है, तो प्रोपेन और दो और ऑल हो जाएगा। कितने नंबर पे ऑल है, तो दूसरे नंबर में क्या है, दूसरे नंबर के कार्बन में ऑल है, तो प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। और देख लीजिए बेटा जी, CH3, CH इधर हो जाएगा, OH इधर हो जाएगा, CH2 इधर हो जाएगा, CH3। एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, चार कार्बन हो गए, तो चार कार्बन को क्या कहते हैं बेटा जी, ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऑल हो जाएगा। ऑल कहाँ पे है, 1 2 नंबर में क्या है, ऑल है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल 2 नाम हो जाएगा। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वहां कार्बन दो कार्बन से जुड़े हुए, इसलिए क्या कहलाएगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। वैसे ही देख लीजिए बेटा जी, तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल, एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल, ये क्या होता है, देख लीजिए बेटा जी, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वहां कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है,
OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा, थ्री डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। नाम क्या होगा बेटा जी, ये एक हो गया, दो हो गया, तीन, एक लंबी चेन कितने की हो गई, तीन की। दो नंबर में क्या है, मेथिल है, तो दो मेथिल हो जाएगा ऐसा। और दो क्या, कितने कार्बन तुम्हारे पास, तीन है, तो तीन को प्रोपेन बोलते हो। ऑल है, ऑल कितने नंबर पे, टू में, तो ऐसा नाम हो जाएगा। तो क्या होता है, क्या होता है वन डिग्री एल्कोहल, क्या होता है टू डिग्री एल्कोहल और क्या होता है थ्री डिग्री एल्कोहल, इसको आप लोगों ने समझा। अब हम समझते हैं विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर विधि को समझने की कोशिश करते हैं कि विक्टर मेयर विधि क्या होता है। विक्टर मेयर विधि किसको कहते हैं, विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर विधि क्या होता है बेटा जी, थोड़ा सा सारांश सुन लीजिए, देख लीजिए। जब प्राथमिक एल्कोहल द्वितीय एल्कोहल या तृतीय एल्कोहल के करीब में आप लोग एच आई मतलब हाइड्रो आयोडाइक आयोडिक एसिड को लेके आओगे तो रिएक्शन क्या होगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसके करीब में आप लोग यदि सिल्वर नाइट्रेट को लेके आ रहे हैं तो क्या बनेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा सिल्वर नाइट्रेट के लाने से उसके बाद आप लोग सिल्वर नाइट्रेट के बाद आप लोग नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, और नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराने के बाद जो बनेगा प्रोडक्ट उसके साथ आप लोग क्षार की रिएक्शन करवाओगे तो प्राथमिक एल्कोहल लाल कलर में कैसे परिवर्तित हो जाएगा, द्वितीय एल्कोहल नीले कलर में कैसे परिवर्तित हो जाएगा, और तृतीय एल्कोहल किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं करेगा, इसको हम समझते हैं। आइए चलो सबसे पहले यहां लिख दीजिए बेटा वन डिग्री, यहां लिखो आप लोग प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल यहां लिखिए बेटा जी द्वितीय एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल, और यहां पे लिखिए बेटा जी तृतीय एल्कोहल, तृतीय एल्कोहल ऐसे लिख लीजिए बेटा जी, ऐसा लिख लीजिए, ऐसा तो लिखना ही पड़ेगा। चलो प्राथमिक एल्कोहल मतलब यहाँ पे आप लोग किसको लेके आओगे बेटे जी, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे किसको लेके आओगे आप लोग, यहाँ पे CH3CH2OH ये प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे बेटे जी, प्लस करो यहाँ पे H और I ऐसा। अब देख लीजिए आप लोगों के पास यहाँ एच आई, एच आई से रिएक्शन करवाओगे तो देख लो आपस में रिएक्शन कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस H2O ऐसा बन जाएगा। क्या बचा बेटा जी, ये देखिए CH3 को जैसा का वैसा लिखो, CH2 को जैसा का वैसा लिखो, और ये H2 बाहर हो गया तो आई में आप ले जाके बैठा दीजिए, तो ऐसा बन गया आप लोगों का, ऐसा बन गया है ना, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। ध्यान से देखिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए CH3CH2OH हो जाएगा आप लोगों का प्राथमिक एल्कोहल, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, प्लस H और I ऐसा, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बन गया, माइनस H2O बन जाएगा। बचा क्या, ये वाला CH3 बचा, CH2 बचा, और ये वाले I बचा यहाँ पे ऐसा, है ना, आयोडो एथेन, क्या बच गया ये आयोडो एथेन, इसका नाम क्या है बेटा जी, आयोडो एथेन ऐसा बन जाएगा, ठीक है, आयोडो एथेन ऐसा बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे भी दो डिग्री एल्कोहल को, टू डिग्री एल्कोहल को लेके आओ, CH3 यहाँ CH, इधर OH, इधर पे क्या हो जाएगा बेटा जी, इधर CH3 हो जाएगा ऐसा। यहाँ भी आप लोग किसको लेके आओगे, प्लस का H I ऐसा, ठीक है। अब देखो ये वाला OH है, ये वाला H से रिएक्शन करेगा ऐसा, तो माइनस से क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। बचा क्या, CH3CH, इधर CH3, इधर पे I, ये क्या हो जाएगा, टू आयोडो प्रोपेन, टू आयोडो प्रोपेन बन गया। यहाँ थ्री डिग्री को लेके आओ बेटा जी, CH3 यहाँ पे C, इधर OH, इधर CH3, इधर पे CH3 ऐसा लेके आ गए। इसके करीब में क्या लेके आओ बेटा जी, इसके करीब में प्लस का H और I लेके आई है,
ये देखो ये वाला OH से ये वाला H रिएक्शन कर लेगा, क्या बचेगा तुम्हारा माइनस का H2O हो जाएगा ऐसा। यहाँ बचा क्या, यहाँ C, इधर CH3, इधर CH3, इधर पे CH3, इधर पे क्या बचेगा आई बच जाएगा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे आई जुड़ जाएगा। चलो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-methyl-2-iodo, आयोडो और कितने कार्बन, 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन ऐसा हो जाएगा। चलो बेटा अभी आगे आगे, अब आगे रिएक्शन करवाओ AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाना है। आगे किससे रिएक्शन करवाना है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाएंगे। देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाओ, AgNO2 से रिएक्शन करवाओगे तो देख लीजिए ए वाला ऐसा रिएक्शन हो जाएगा, ए वाला ऐसा रिएक्शन करके AgI माइनस AgI हो जाएगा, बचेगा क्या CH3CH2NO2, ये वाला NO2 यहाँ जाके बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग प्लस का AgNO2, ये वाला आई जो है ऐसा रिएक्शन इसके साथ कर लेगा, माइनस का AgI ऐसा हो जाएगा, बचेगा क्या CH3CH CH3, ये वाला NO2 यहाँ जाके फिट हो जाएगा ऐसा, NO2 ऐसा बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा जी, प्लस का AgNO2, ये वाले I जो है ये वाले Ag से रिएक्शन करेगा, माइनस का AgI हो जाएगा ऐसा, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा C, इधर CH3 हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा NO2 हो जाएगा ऐसा, ठीक है बेटा जी। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, किससे रिएक्शन करवाएंगे आगे, आगे रिएक्शन होगा किससे रिएक्शन होगा आगे, नाइट्रस एसिड एच रिएक्शन होगा एन डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ आ जाएगा ओ और एच, HNO2 नाइट्रस एसिड का फार्मूला है, नाइट्रस एसिड का फार्मूला है। ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ ऐसा रिएक्शन कर लेगा, क्या बन गया H2O, माइनस का H2, क्या बचा बेटा जी CH3, ये वाला C बचा, ये वाला NO2 ऐसा जुड़ गया, अरे डबल बॉन्ड NOH ऐसा बन गया, ठीक लीजिए। यहाँ पे भी देख लीजिए बेटा जी, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी वैसे रिएक्शन होगा, यहाँ पे भी वैसे रिएक्शन होगा, देख लीजिए आप लोग ये रिएक्शन वैसे ही होगा। यहाँ पे देख लीजिए प्लस का क्या OH एंड डबल बॉन्ड O, ये देख लीजिए HNO2 नाइट्रस एसिड का फार्मूला है, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये वाले वैसे रिएक्शन करके क्या बना लेगा पानी, माइनस का H2O ऐसा बना लेगा, क्या बचा बेटा जी CH3 ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला C, फिर ये वाला CH3 ये वाला, और देख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे NO2 तो पहले से जुड़ा हुआ है वाला NO2, और ऊपर की तरफ क्या N और O, इधर पे क्या बच जाएगा आप लोगों का, इधर पे बच जाएगा, इधर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O ये वाला, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे देख लीजिए बेटा जी, यहाँ पे देखो बेटा जी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा HNO2, यहाँ पे आप लोग लिख लो नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। आगे देख लीजिए बेटा जी आगे क्या होगा, आगे जैसे ही आप लोग क्षार से रिएक्शन करवाओगे, क्षार से जैसे ही रिएक्शन होगा, जैसे ही NaOH क्षार से रिएक्शन होगा, क्षार से रिएक्शन होगा तो यहाँ पे रेड ब्लड जैसा रेड पीपीटी बन जाएगा आप लोग, जैसे यहाँ पे बुलाओगे तो यहाँ पे रेड ब्लड जैसा रेड बन जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप लोग NaOH मिलाओगे तो यहाँ पे ब्लू बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा ब्लू।